इस्लामाबाद से हम तकरीबन घंटा पहले निकले थे, तो घंटे में हम मरी पहुंच चुके हैं और अभी हम इंशाल्लाह यहां से कोहाला की तरफ जाएंगे। आप जरा ये नज़ारा चेक करें माशाल्लाह। इस वक्त हम बाग के बाजार में से गुजर रहे हैं। यहाँ हम एक दोस्त की तरफ जाएंगे जिन्होंने हमें खाने की दावत दी है और रात का स्टे करने का सारा इंतजाम भी उसने किया है। रात खाने के बाद हमारे दोस्त ने, चूंकि उनके घर के बिल्कुल सामने पहाड़ी पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का बहुत प्यारी बिल्डिंग थी, वहाँ पर ले गए। यहाँ पर तकरीबन 5000 के लगभग लोग काम करते हैं। एक पिकनिक पॉइंट भी बनाया गया है और हेलीपैड भी बनाया गया है। इस हेलीपैड पर मुल्की और गैर मुल्की अहम शख्सियात भी लैंडिंग करती हैं। सुबह उठ के हमने ये प्लान बनाया कि हम बाग से लस डन्ना की तरफ जाएंगे। अभी हम यहाँ पर अली शेर इस इलाके का नाम है वहाँ पे मौजूद है और इसके बाद हम जाएंगे लस डन्ना इस साइड पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये इस साइड पे एलओसी आती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो हमारा इंडिया के साथ बॉर्डर है। अच्छा, अभी हम सामने पुल पे थे थोड़ी देर पहले, वो आप देख सकते हैं। वहाँ से हम लस डन्ना की तरफ जा रहे थे, मगर मुकामी इधर एक कुछ बंदे थे, उन्होंने बताया यहाँ पे वाटरफॉल है, जो कह रहे थे बहुत प्यारी जगह है। मगर दूसरी बात ये कि आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते, रास्ता आप आगे देख रहे हैं। हाइकिंग थोड़ी सी है इसमें, 5-10 मिनट की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। ये है वो वाटरफॉल जो जिसके बारे में आपको हम बता रहे थे, देख सकते हैं जगह माशाल्लाह अच्छी है। नीचे वादी कौन गए इनसे पहले। अभी हम अली शहर से लस डन्ना की तरफ रवाना हो चुके हैं, हमारे साथ रहिए। अभी हम लस डन्ना पहुंच चुके हैं। ये एक रेस्ट हाउस है सरकारी
और बिल्कुल हाइट पे टॉप पे है ये जगह। हम बिल्कुल टॉप पे है इस टाइम, आप देख सकते हैं। यकीन करें इतना पुरसकून माहौल, इतनी खामोशी और इतना प्यारा नज़ारा। यकीन करें मैं पहली मर्तबा इस तरह किसी जगह में आया हूँ। बहुत प्यारा रेस्ट हाउस है, छोटा सा है और लाजडन्ना में सबसे हाइट पर ये रेस्ट हाउस है। यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, आप लोग तो महसूस नहीं कर सकते मगर देख सकते हैं पत्ते हिल रहे हैं। आप लोग आके महसूस करेंगे। वहाँ पे कोई नहीं करता। हम इस वक्त लाजडन्ना में हैं। ये सामने लाजडन्ना पॉइंट है, आप देख सकते हैं, मेन पॉइंट है। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक फॉरवर्ड कोहोटा अब्बासपुर की तरफ जो राइट साइड पे निकलता है, इसके साथ लेफ्ट साइड पे जो है हाजी पीर की तरफ रास्ता जाता है। हाजी पीर की तरफ रास्ता वो मैं आपको दिखाऊंगा। हमने कोशिश की आगे जाने की मगर रास्ता बहुत ख़राब है। जबकि आप लाजडन्ना तक आएंगे तो बिल्कुल रोड आपके सामने बिल्कुल कारपेटेड और अच्छी रोड है, कोई भी इस पे गाड़ी आ सकती है, बाइक भी आ सकता है, मगर हाजी पीर की तरफ आप जाएंगे। अच्छा, मैं आपको इस रोड के बारे में बता रहा था जो हाजी पीर की तरफ जाता है। हमने बेसिकली उधर ही जाना था, क्योंकि रोड आगे जाएंगे तो हमें पता लगा आगे ख़राब ही है रोड। हमने फिर वहाँ से वापस आने का फैसला किया है और इसके साथ हम वापस जाएंगे गंगा चोटी और वहाँ से मुजफ्फराबाद की तरफ निकलेंगे। अभी आप आवाज़ सुन सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह बेल आप बजाते हैं स्कूल की, वो ये अगर जूम करें आप देख सकें, ये इनकी आवाज़ है और काफ़ी तेज़ है। जितने रोड के पास जितनी भी जगह आएंगे वहाँ पे आपको ये आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो ये हमने भी अभी देखा कि यह आवाज़। ये इस टाइम हम नमाज के लिए रुके हैं, अकील भाई इस टाइम वजू कर रहे हैं और बाकी जो हमारे साथी है वो ये देखें नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये कुदरती चश्मा है, यकीन करें बहुत ठंडा पानी है। मैंने अभी वजू किया तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। नमाज पढ़ने और आराम करने के बाद हम गंगा चोटी की तरफ रवाना हो चुके हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। कश्मीर आने का बुनियादी मकसद हमारा गंगा चोटी देखना था। अब आपको भी दिखाएंगे और हम भी इस पॉइंट को देखेंगे। अच्छा, ये अभी हम गंगा छोटी पहुंच गए हैं। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से तो सब पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ और उसकी चोटी पर ये पॉइंट बना हुआ है। और दूसरा, बहुत ज़्यादा ठंड है, इंतहाई शदीद, यूँ लग रहा है जिस तरह हम जनवरी के महीने में घूम रहे हों।
آخری 4 سے 5 کلومیٹر کا رستہ انتہائی دشوار گزار تھا، اس رستے نے تو ہماری جان ہی نکال دی۔ اس لیے اس دوران ہم نے کوئی ویڈیو کلپ نہیں بنایا، کیونکہ ہمیں اپنی ہی پڑ گئی تھی کہ ہم جان بچا لیں، ویڈیو تو بعد میں بھی بنتی رہے گی۔ اچھا، ہم مظفر آباد سے تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر کر کے پتیکا کی طرف آئے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے ایک ریسٹ ہاؤس اپنے لیے ارینج کیا ہے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، لوکیشن تو بڑی ہمیں مزے کی لگی ہے۔ آپ کو اس ریسٹ ہاؤس کا ٹور بھی کراتے ہیں۔ یہ سامنے دو بیڈ رومس ہیں، یہ بھی آپ کو ہم چیک کروا لیتے ہیں۔ یہ تو انشاءاللہ میرا بیڈ روم ہوگا، ساتھ میں عقیل، ہم دو بندے، دو یا تین اس میں ہوں گے، دو وہاں پر ہوں گے۔ ایک یہ والا روم ہے، یہ دوسرا کمرہ ہے، چیک کریں۔ میں جتنا ہم تھکے ہیں نا، تو میرے خیال سے یہ جو ابھی ہمیں جگہ ملی ہے ریسٹ کرنے کی، تو امید ہے ہماری ساری تھکاوٹ دور کر دے گی یہ جگہ۔ ابھی ہم نے کھانے کا آرڈر دیا کیونکہ بھوک کافی سخت لگی ہے۔ ہم کھانا نیچے کھائیں گے، آپ کو نیچے بھی ذرا سیر کراتے ہیں۔ یہاں پر ہم کھانا کھائیں گے، اور کھانے کے ساتھ ہم انجوائے بھی کریں گے۔ یہاں پر اس سائڈ پہ ہمارے پیچھے آپ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں، اس سائڈ پہ نیلم ویلی، اس طرف یہ رستہ جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، کل رستہ ٹھیک ہوا، ٹائم ملا تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو نیلم ویلی بھی دکھائیں گے۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے انسٹرومینٹ تھے، سب میں چارجنگ کسی میں ختم تو کسی میں لو ہو چکی تھی۔ ابھی تقریباً یہ ہے کہ سب کو بھی چارج پہ لگایا ہوا ہے۔ صبح ہو چکی ہے ابھی، اور ہم ابھی ناشتہ کریں گے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم واپس اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ ہمارا سفر یہیں تک تھا، نیلم ویلی کی طرف ہم نے جانا تھا، لیکن وہاں پر زیادہ پوائنٹس آتے ہیں، وہ ہم اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو ہم کور کریں گے۔ ابھی ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔